हेलो प्यारे बच्चों, तो ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में मैं डॉक्टर दर्शन सिंह का कोच आपका फिर हाजिर हूँ पढ़ाने के लिए। तो जैसे कि हम रोज़ अपनी ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, आप लोग भी काफ़ी अच्छे से असाइनमेंट्स वगैरह बना के मुझे भेज रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आजकल बच्चों की एक्टिविटी बढ़ चुकी है, काफ़ी अच्छे से नए असाइनमेंट में फंसा रहे हैं, आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आप लोगों में मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा वीडियो से। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा फोटोसिंथेसाइजेशन। आज हमारी फिजिकल केमिस्ट्री का लास्ट वीक चल रहा है, हमारी फिजिकल केमिस्ट्री इसके बाद कंप्लीट हो जानी है। इसके बाद हम कवर अप करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर वर्कआउट करेंगे, ठीक है। जैसा कि जो है कई बच्चों की डिमांड है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर हम आए, तो हम इसके बाद इसको हम कंप्लीट करके आज लास्ट है हमारा फिजिकल, कल से वी विल टेक अप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज का हमारा टॉपिक है फोटोसिंथेसाइजेशन। फोटोसिंथेसाइजेशन फोटोसिंथेसाइजेशन है क्या और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं हम। फोटोसिंथेसाइजेशन क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ जाती है, ये थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। एक्चुअली सिंपली अगर दो वर्ड्स में फोटोसिंथेसाइजेशन को याद करना है तो वो ये है कि फोटोसिंथेसाइजेशन इज द टेक्निक ऑफ ट्रांसफर ऑफ एक्साइटेशन एनर्जी। टेक्निक ऑफ ट्रांसफर ऑफ एक्साइटेशन एनर्जी याद रहेगा, टेक्निक ऑफ ट्रांसफर ऑफ एक्साइटेशन एनर्जी इज नोन एज फोटोसिंथेसाइजेशन। डन, ओके। तो ये बात आप ध्यान से नोट कर लेंगे, व्हाट इज ट्रांसफर ऑफ एक्साइटेशन एनर्जी, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ एक्साइटेशन एनर्जी, ठीक है। ये जो है अब किसका ट्रांसफर, किधर से कहाँ और क्यों ट्रांसफर, ये सब बातें अब रह जाती हैं, ये हम बात करते हैं। देखिए बेटा, फोटो केमिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री है और फोटो केमिकल रिएक्शंस के खास बात ये है कि ये रिएक्शंस बड़ी बढ़िया होती हैं, कि इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, कंसर्टेड रिएक्शंस होती हैं। कंसर्टेड रिएक्शन मतलब दैट रिएक्शन विच कंप्लीट इन सिंगल स्टेप। सिंगल स्टेप मतलब कई सारे स्टेप्स नहीं, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना है। और इसकी मैकेनिज्म की बात जो है खाली इसके ऑर्बिटल मूवमेंट्स की होगी, ऑर्बिटल मूवमेंट्स कैसे होते हैं बस, और इसमें स्टेप्स नहीं होंगे कि पहले ये हुआ फिर ये हुआ, वैसा कुछ नहीं। सिंगल स्टेप कंसर्टेड रिएक्शंस जो होती है फोटो केमिस्ट्री में ज़्यादातर होती हैं, जिनको एक नया नाम दिया जाता है, क्या, पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस। क्या नाम दिया जाता है बेटा, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। कंसर्टेड रिएक्शंस आर नोन एज पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस, मीन दोज रिएक्शन विच कंप्लीट्स इन सिंगल स्टेप ओनली आर नोन एज पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस। लेकिन अब कोई कंपाउंड फोटोकेमिकल रिएक्शन दे, उसके लिए जरूरी क्या है, ये समझना है। कोई कंपाउंड फोटोकेमिकल रिएक्शन देता कैसे है, जैसे ये ए है और इस ए ने सनलाइट एब्जॉर्ब की और ये एक्साइट हो गया, सिंगलेट स्टेट में आ गया। वन लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा, सिंगलेट स्टेट में आ गया। अब ये सिंगलेट स्टेट, जैसा कि आप जानते हैं, सिंगलेट स्टेट बहुत कम टाइम के लिए स्टेबल होती है, नैनो सेकेंड्स में ही ये डिस्टेबलाइज वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में। ये ग्राउंड स्टेट थी, ग्राउंड स्टेट से ये कहाँ आ गया, सिंगलेट स्टेट में, S0 से S1 में आ गया। तो अब ये S1 में ज़्यादा देर रह नहीं सकता है, S1 में ज़्यादा देर रह नहीं सकता है और S1 से सीधे सीधे वापस आ जाएगा। लेकिन बेटा कुछ तो रिएक्ट करने के लिए कुछ तो टाइम रिक्वायरमेंट उसको होगी, कुछ तो टाइम लगेगा उसको रिएक्ट करने के लिए। इसलिए सिंगलेट स्टेट में किसी कंपाउंड के रिएक्ट करने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बहुत कम। सिंगलेट स्टेट में वो रिएक्ट नहीं कर पाता है। और सिंगलेट स्टेट कभी अगर चली जाती है ट्रिपलेट स्टेट में, A3 में, ये अब यहाँ ये काफ़ी देर स्टेबल रहेगा, स्टेबल यहाँ पर रहेगा, स्टेबल होगा यानी काफ़ी देर इस सिचुएशन में रह सकता है। और काफ़ी देर जब इससे ये हाई एनर्जी स्टेट है, ये लो एनर्जी ग्राउंड स्टेट, हाई एनर्जी स्टेट, लेकिन ये अनस्टेबल है, सीधे वापस आ जाएगी। लेकिन ट्रिपलेट स्टेट काफ़ी हद तक स्टेबल होती है और ये काफ़ी समय तक कंपाउंड इस स्टेट में एडजस्ट कर सकता है। तो अब इसके रिएक्ट करने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, हाई एनर्जी स्टेट में है और वहाँ काफ़ी देर तक है, तो इसमें रिएक्शन होगी, अच्छी खासी होगी, ठीक है। लेकिन समस्या क्या है, ये क्या है, ISC है, ISC, ये क्या हुआ, एक्साइटेशन हुआ, उसके बाद इंटर सिस्टम क्रॉसिंग हुई।
इंटर सिस्टम क्रॉसिंग सिग्निफिकेंटली सब में सारे कंपाउंड्स में नहीं हो पाती है। कई कंपाउंड्स उन दोनों के बीच में जो बैरियर होता है कि सिंगलेट स्टेट और टी स्टेट में एक बैरियर होता है, एनर्जी का डिफरेंस होता है, उस एनर्जी के डिफरेंस कहीं ज़्यादा हो तो इनका बैरियर पड़ जाता है और ये ट्रांसफ़र नहीं हो पाते, इससे इसमें नहीं जा पाते। तो उन कंपाउंड्स की फोटोकेमिकल रिएक्शन कैसे की जाए, उन कंपाउंड्स की फोटोकेमिकल रिएक्शन कैसे होगी कि जो है वो रिएक्ट कर जाएं, उनमें फोटोकेमिकल रिएक्शन हो जाए। तो फोटोसेंसिटाइजेशन इज द टेक्निक कि उसको फोटोसेंसिटाइज कर दें। मतलब क्या है, मतलब ये है कि ऐसे कंपाउंड, फोटोसेंसिटाइजेशन इज यूज्ड फॉर दोज कंपाउंड्स विच डू नॉट सिग्निफिकेंटली चेंज अंडर वो ISC, जिनमें और ऐसे कंपाउंड जिनमें सिग्निफिकेंटली ISC इंटर सिस्टम क्रॉसिंग नहीं होता है, या फिर ट्रिपलेट स्टेट आसानी से नहीं बनती है, या बनती ही नहीं है, या तो आसानी से नहीं बनती है या बनती ही नहीं है, थोड़ी बहुत बन गई, अच्छा खासा ट्रांसफ़र नहीं हुआ, तो उनमें फोटोसेंसिटाइजेशन करते हैं। ये तो बात उनकी जिनमें ISC हो जाता है, लेकिन फोटोसेंसिटाइजेशन किनके लिए करते हैं बेटा, जिनमें ISC यानी कि इंटर सिस्टम क्रॉसिंग नहीं हो पाती है। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक डोनर अलग केमिकल ले लिया और इसको हमने एक्साइट किया, और डोनर ऐसा लेते हैं जो आसानी से ट्रिपलेट स्टेट में जाता हो, आसानी से, सारे ऐसे नहीं हैं जो आसानी से नहीं जाते, लेकिन बहुत सारे तो ऐसे हैं जो आसानी से ट्रिपलेट स्टेट बनाते हैं। तो हम इसको एक्साइट करते हैं, तो ये एक्साइट होकर पहले सिंगलेट स्टेट में आता है, और फिर जो है ये ISC इसमें तो होती है, मतलब तो ये सिंगलेट S1 स्टेट से T में चली जाती है, चला जाता है ये डोनर B, मतलब डोनर, ठीक है। अब क्या करते हैं कि इस डोनर के साथ आप अपना जो A जो था आपका कंपाउंड जिसमें रिएक्शन होनी थी वो A मिला देते हैं, और ये A मिला के इसमें जो D ट्रिपलेट स्टेट में था, ये दोनों टकराते हैं आपस में, तो ट्रांसफ़र ऑफ एक्साइटेशन एनर्जी हो जाता है, ट्रांसफ़र ऑफ एक्साइटेशन एनर्जी। जब ये ट्रिपलेट स्टेट इसकी ग्राउंड स्टेट से टकराएगी, ठीक है, ये टी स्टेट ग्राउंड स्टेट से कोलाइड करेगी, तो अब ये अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफ़र कर देगा और ये ट्रिपलेट स्टेट में आ जाएगा। लेकिन ए तो आसानी से ट्रिपलेट स्टेट में आता नहीं था, लेकिन इसने भेज दिया इसको, और ये खुद डी एक्साइट हो गया, खुद ग्राउंड स्टेट में आ गया, S0 में आ गया, ये आ गया किसमें, S0 में, और ये किसमें आ गया, ट्रिपलेट स्टेट में। अब ये ट्रिपलेट से A3 ट्रिपलेट स्टेट से ये एक्साइटेड था, ये प्रोडक्ट बना देगा। ये पूरी प्रोसेस जो है यहाँ से लेके यहाँ तक की, इसको आप कहते हैं फोटोसेंसिटाइजेशन कहलाती है। बहुत आसान है, समझ में आ गया कि क्या है पूरी प्रोसेस, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज़ और होती है इसमें, एक चीज़ और क्या होती है, अगर ये D3 जरूरी नहीं है टकरा के इसको एक्साइट ही कर दे, एनर्जी ट्रांसफर ही कर दे, अगर ये हो जाता है D3, फिर से D3 खुद रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना देता है, D3 खुद यानी कि जो डोनर था वो एक्साइटेड स्टेट में ट्रिपलेट स्टेट में था और उससे प्रोडक्ट बना देता है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं क्विंचिंग हो गई, ठीक है। क्विंचिंग का मतलब है कि डोनर ने अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं की, यानी कि एक ही ने रिएक्ट करना था तो ये रिएक्ट नहीं कर रहा है, और डोनर खुद रिएक्ट कर गया, तो दैट पर्टिकुलर सिचुएशन इज नोन एज क्विंचिंग, इज दैट ओके। ये इतनी बात हो गई। तो फोटोसेंसिटाइजेशन बहुत आसान है, और फोटोसेंसिटाइजेशन में आपका ये सारी प्रोसेस आपको इतना याद करना है, अब जो मैं बोल रहा हूँ आपको उसको समझना है और एग्जाम में रिप्रोड्यूस करना है। अब हम बात करें कि फोटोसेंसिटाइजर क्या, यानी कि ये डोनर जो होता है इसको कहते हैं फोटोसेंसिटाइजर, डोनर इज नोन एज फोटोसेंसिटाइजर, ठीक है, फोटोसेंसिटाइजर। और फोटोसेंसिटाइजर क्या होते हैं, कुछ खास केमिकल होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट और अच्छा फोटोसेंसिटाइजर जो है वो यूज किया जाता है, वो है बेंजोफिनॉन। क्या यूज किया जाता है, बेंजोफिनॉन। फोटोसेंसिटाइजर्स के एग्जांपल कई बार पूछे जाते हैं, व्हाट आर एग्जांपल्स ऑफ फोटोसेंसिटाइजर, दैट इज बेंजोफिनॉन इज द बेस्ट फोटोसेंसिटाइजर, बेंजोफिनॉन, क्योंकि इसकी ISC की यील्ड बहुत अच्छी होती है, मतलब इसमें ISC बहुत तेजी से होता है और ये एनर्जी ट्रांसफर भी बहुत आसानी से करता है, बेंजोफिनॉन। उसके अलावा फ्लोरीसीन है, ठीक है, फ्लोरीसीन
फ्लोरीसीन, फ्लोरीसीन भी एक कंपाउंड है, फ्लोरिसेंस तो एक फिनोमेना है लेकिन कंपाउंड है फ्लोरीसीन, ये फोटोसिंथेसाइजर का काम करता है। उसके अलावा रोज बंगाल भी एक कंपाउंड है, रोज बंगाल एक कंपाउंड है जो फोटोसिंथेसाइजर में यूज होती है। तीन एग्जांपल्स आपको याद करने होंगे बच्चों, फ्लोरीसीन, वल्डफिनोन एंड रोज बंगाल। ये और भी हैं होने को फोटोसिंथेसाइजर बहुत, लेकिन ये तीन आपके लिए काफ़ी हैं। ठीक है, तो इतनी बात हो गई फोटोसिंथेसाइजर क्या है, ठीक है, और फोटोसिंथेसाइजेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ एक्साइटेशन एनर्जी बाई डोनर फोटोसिंथेसाइजर। फोटोसिंथेसाइजर जो डोनर फोटोसिंथेसाइजर था उसके द्वारा उसने अपनी एनर्जी जो है वो जो रिएक्ट कर रहा है जो आईएससी नहीं होती जिसमें, उसको एनर्जी ट्रांसफर कर देगा फोटोसेंसिटाइजेशन है। अब हम बात करते हैं एग्जांपल ऑफ फोटोसेंसिटाइजेशन, कभी कभी ये पूछ दिया जाता है एग्जांपल ऑफ फोटोसेंसिटाइजेशन। तो एग्जांपल ऑफ फोटोसेंसिटाइजेशन है क्या, ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज ब्यूटाडाइन। अगर इसको हम सनलाइट में एक्सपोज करते हैं विदाउट फोटोसेंसिटाइजर, विदाउट फोटोसेंसिटाइजेशन, ठीक है, विदाउट फोटोसेंसिटाइजेशन, विदाउट फोटोसेंसिटाइजेशन अगर हम करते हैं तो इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो ये बनता है। प्रोडक्ट का मतलब ये साइक्लाइज हो जाता है, यानी कि एक दो तीन चार कार्बन थे, ये चारों रिंग में जुड़ गए और ये साइक्लिक कंपाउंड बन गया। ये ऐसा भी बन सकता है कि ये जो डबल बॉन्ड यहाँ था इन दोनों के बीच में, वो डबल बॉन्ड यहाँ इन दोनों के बीच में बन जाए, इसके और इसके कॉर्नर वालों के बीच में, तो ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है, तो दोनों प्रोडक्ट बन सकते हैं। ये फोटोकेमिकल रिएक्शन तो है लेकिन एग्जैक्टली जो है ये ऐसा एक ही मॉलिक्यूल रिएक्ट कर गया है आपस में ही, क्योंकि इसको ज़्यादा टाइम नहीं मिला कि किसी और से टकरा सके, इसका मतलब ये ट्रिपलेट स्टेट में गया ही नहीं, ये थोड़ा सा एक्साइट हुआ और उसी एक्साइटेड स्टेट में आपस में ही ये इधर से इधर जुड़ गया और ये रिएक्शन हो गई, यानी कि ये बिना ट्रिपलेट स्टेट की हुई है ब्यूटाडाइन की। लेकिन अगर हम क्या करते हैं कि यही कंपाउंड हम लेते हैं और विद हम क्या करते हैं, विद बेंजोफिनॉन करते हैं, विद बेंजोफिनॉन लेते हैं, तो ये जो है ये प्रोडक्ट ही बनता है, डाइमर बनता है। क्या बनता है, डाइमर, दो मॉलिक्यूल्स इसके जुड़ते हैं यानी कि डाइमराइज हो जाता है। डाइमराइज कैसे होता है ये समझिएगा, डाइमराइज ऐसे होता है, ये ऐसे, देखो अब इसको मैं समझाता हूँ ऐसे, देखिए दो कैसे जुड़े हैं ये समझ लीजिए, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए एक दो तीन चार कार्बन, एक दो तीन चार, फिर एक दो तीन चार, एक दो तीन चार कार्बन, तो ये दो ले लिए इसके हमने चार चार कार्बन वाले, दोनों में दो दो डबल बॉन्ड थे लेकिन एक बॉन्ड हम कम कर देंगे, इसका एक डबल बॉन्ड हमने जो यहाँ था वो यहाँ ले आए, इसका एक डबल बॉन्ड यहाँ वाला यहाँ है, यहाँ वाला यहाँ चला गया, तो ये बन जाता है इसका कंपाउंड, ये बन जाएगा। इसी तरह से और समझा जा सकता है, एक और कंपाउंड बनता है वो ये और ये, आप देखेंगे इसमें भी आठ कार्बन है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ कार्बन, यानी कि डायमंड है, ये दो जुड़ते हैं, दो के जुड़ने से ये सब बन गया है। होता क्या है इसमें, कैसे होता है देखें, इसमें ऐसे होती है रिएक्शन ये कि एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, चार कार्बन, एक दो तीन चार, चार कार्बन, तो इसका यहाँ वाला जो यहाँ पे दो डबल बॉन्ड थे ना, एक हर एक इधर एक इधर, तो यहाँ वाला डबल बॉन्ड यहाँ बन गया और इसका यहाँ वाला डबल बॉन्ड यहाँ बन गया, ये तो ये बन जाता है। तो ये आपके एग्जांपल्स ऑफ फोटोसिंथेसाइज रिएक्शन है, एग्जांपल ऑफ फोटोसिंथेसाइज, एक एग्जांपल आपको याद करना होगा, पूछा जा सकता है। थैंक यू, आगे कल से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये लगता है कि ये वाली यूनिट स्टार्ट करनी है तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए और मैं वही यूनिट आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल टेकअप करूँगा। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको लगता है कि इस कोरोना की महामारी की सिचुएशन में इन ऑनलाइन क्लासेस का ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा मिले तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।